ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोध्याय श्लोक नंबर 17। इस श्लोक में भी परमात्मा की विलक्षणता का वर्णन किया गया है। ये श्लोक है, ज्योतिषाम तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम् ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। एक बार फिर बोलती हूँ, ज्योतिषाम तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम् ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। ज्योतिषाम तज्ज्योतिष, ये जो तज्ज्योतिष वर्ड है, तत् प्लस ज्योति ही, आधे स को हटा दें, ज्योति ही, और ये तज्ज्योतिष जो बोला, जब हम उसको तोड़ के लिखेंगे तो तत् ज्योति ही। तत् का मतलब है वे परमात्मा। ज्योतिषाम अपि, संपूर्ण ज्योतियों के भी, ज्योति ही ज्योति है। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति हैं। तमसह परमुच्यते, तमसह का मतलब अज्ञान से, परमुच्यते अत्यंत परे कहे गए हैं, अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। फिर उस परमात्मा के बारे में कहा गया है, ज्ञानम वे ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञेयम वे जानने योग्य हैं, ज्ञान गम्यम वे ज्ञान से प्राप्त करने योग्य हैं, हृदि सर्वस्य विष्ठितम, सर्वस्य सबके हृदि हृदय में विष्ठितम विराजमान है। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। तत् ज्योतिषाम अपि ज्योति ही, वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति हैं। तमसः परमुच्यते, अज्ञान से अत्यंत परे हैं। ज्ञानम ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञेयम जानने योग्य हैं, ज्ञान गम्यम ज्ञान से प्राप्त करने योग्य हैं, सर्वस्य हृदि विष्ठितम सभी के शरीर में विराजमान है। यहाँ पर जो ज्योति नाम है वो प्रकाश को कहा गया है, जिनसे हमें प्रकाश मिलता है, हमें ज्ञान मिलता है, वो सब ज्योति हैं। ये जितने संसारिक पदार्थ हैं, ये सब सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारा अग्नि और बिजली आदि के प्रकाश में दिखते हैं, और इन सब पदार्थों की जो ज्योति है, अर्थात इन सब पदार्थों का जो प्रकाशक है, वो सूर्य और चंद्रमा आदि हैं। ये जितने सारे बताए, ये सब कुछ, कि अगर सूर्य ही नहीं है, पूरी तरह से अंधेरा है, आप क्या देखोगे? कुछ नहीं देख सकते। अमावस की रात में कुछ दिखाई नहीं देता, पूरा अंधेरा होता है। तो ये सब कहा है कि ये भौतिक पदार्थों का जो प्रकाशक है, ये सूर्य चंद्रमा आदि है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो विषय हैं हमारे, इनका प्रकाशक जो है वो इंद्रियां हैं। विषयों का प्रकाशक इंद्रियां हैं। जैसे शब्द विषय है और शब्द का प्रकाशक कान है, हम कान से सुनते हैं, और ठंडा गर्म कोमल कठोर आदि के स्पर्श का ज्ञान हमें त्वचा से होता है। अतः स्पर्श का प्रकाशक जो है वो त्वचा है, त्वचा हमारी ज्ञानेंद्रियों में से है। ऐसे ही हमें
काले पीले नीले हरे इन रूपों का ज्ञान, इन रंगों का ज्ञान हमें नेत्रों से होता है। और अतः जो रूप की ज्योति अर्थात रूप का जो प्रकाशक है वो नेत्र है। और खट्टा मीठा नमकीन तीखा इन रसों का ज्ञान हमें जीभा से होता है, अतः रस की ज्योति जो है जीभा है। और सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान हमें नाक से होता है, अतः गंध जो सुगंध और दुर्गंध का है, गंध की का प्रकाशक जो है वो नाक है। इस तरह से कहा है कि पांचों ज्ञान इंद्रियां जो हैं विषयों का ज्ञान हमें शब्द स्पर्श रूप रस इन विषयों का ज्ञान हमें इंद्रियों से होता है, ज्ञान इंद्रियों से। और इन इंद्रियों के साथ जब मन रहता है तब ही हमें ज्ञान होता है। हम कुछ पढ़ रहे हैं, हमारा मन कहीं अगर और घूम रहा है, हमें पता नहीं चलता क्या पढ़ा है। तो इसलिए कहा है कि विषयों का ज्ञान इंद्रियों से, और मतलब कि विषयों का प्रकाशक इंद्रियां हैं, इंद्रियों का प्रकाशक मन है। और ऐसे ही कहा है मन से विषयों का ज्ञान होने पर भी मन में जब तक बुद्धि में बात नहीं आती तब तक बात नहीं बनती। तो फिर मन का प्रकाशक जो है वो बुद्धि है। बुद्धि से जो हम निर्णय लेते हैं उसके ऊपर अहम है, अहम में जो कुछ आ जाता है बुद्धि का निर्णय। तो यहाँ पर कहा गया है कि अहम का प्रकाशक, सॉरी बुद्धि का प्रकाशक अहम है, फिर अहम से भी ऊपर जो है वो परमात्मा है। इन सब का प्रकाशक जो है वो परमात्मा है। इसलिए कहा है कि वह परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है, इसलिए कहा गया ये। और यह जो ये ज्ञान है जीवन में आचरण में नहीं आता, वो बात जब तक स्वयं में नहीं बैठती। जब वो बात स्वयं में बैठ जाती है वह फिर वह कभी नहीं जाती, तो स्वयं में बैठ जाती है। इसलिए कहा है कि बुद्धि का प्रकाशक स्वयं है, और फिर स्वयं में जो प्रकाश है वो परमात्मा से आता है। तो इसलिए कहा है कि वह परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है। इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे एक के पीछे बैठे हुए परीक्षार्थी, एक के पीछे एक बैठे हुए परीक्षार्थी अपने से आगे बैठे हुए को तो देख सकते हैं परंतु अपने से पीछे बैठे हुए को नहीं देख सकते। ऐसे ही अहम, फिर बुद्धि, फिर मन, फिर इंद्रियां आदि भी अपने से आगे वाले को तो देख सकते हैं लेकिन अपने से पीछे वाले को नहीं। और जैसे सबसे पीछे बैठा हुआ परीक्षार्थी अपने आगे बैठे हुए संपूर्ण परीक्षार्थियों को देख लेता है, ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा सबसे पीछे बैठा हुआ अहम, बुद्धि, मन, इंद्रियां इन सब को देख लेता है, इन सब को प्रकाशित करता है। परमात्मा से ये सब प्रकाशित होती हैं एक के बाद एक। तो इसलिए कहा है कि इन सब का जो प्रकाशक है वो परमात्मा है, इसलिए उसे कहा है वह ज्योतियों का भी ज्योति है। फिर उसे कहा है परम उच्च तमसह परम उच्चते, वह परमात्मा, तमसह का मतलब अज्ञान, अज्ञान से अत्यंत परे है अर्थात अज्ञान से निर्लिप्त है। ये जो इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम है इनमें तो ज्ञान भी आता है अज्ञान भी आता है, दोनों आते हैं, परंतु जो इनका प्रकाशक है वो परमात्मा, उसमें कभी अज्ञान आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं और आएगा ही नहीं। जैसे सूर्य में अंधेरा कभी आता ही नहीं, ऐसे ही परमात्मा में कभी अज्ञान आता ही नहीं, इसलिए इसे अज्ञान से परे कहा गया है। फिर कहा है कि वे
ज्ञान स्वरूप है। उस परमात्मा में कभी अज्ञान आता ही नहीं, वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उससे सभी को प्रकाश मिलता है और इसलिए उस परमात्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया। और ये जो इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा विषयों का ज्ञान योग्य होता है ये, पर वे कोई आवश्यक जानने योग्य नहीं है, क्योंकि उनको जान लेने पर भी बहुत कुछ बाकी रह जाता है। और हमारा जानना समाप्त नहीं होता, वास्तव में एक जानने योग्य तो परमात्मा ही है, जिनको जान लेने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता। और इसमें कहा है कि संपूर्ण वेदों के द्वारा भगवान कहते हैं, जानने योग्य मैं ही हूँ, जो मुझे जान लेता है स सर्वविद भजहि माम, वह सब प्रकार से मेरा ही हो जाता है, जो मुझे जान लेता है वह सर्वित हो जाता है। और इसलिए परमात्मा को ज्ञेय कहा। और फिर कहा ज्ञानगम्मा, ज्ञानगम्य, ज्ञान के द्वारा असत्य का त्याग होने पर, जिसको ज्ञान हो गया उसे पता चल जाता है क्या सच है और क्या झूठ है, क्या ठीक है क्या गलत है। ज्ञान के द्वारा असत्य का त्याग होने पर परमात्मा को तत्व से जाना जा जाता है। जिसको जिसका अज्ञान समाप्त हो गया, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, वो प्रत्येक व्यक्ति में उस परमात्मा तत्व को अनुभव करता है। इसलिए कहा है कि परमात्मा को ज्ञान गम्य है, ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। और फिर लास्ट वाला वर्ड कहा हृदि सर्वस्य विष्ठितम, वह परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। इसमें और विशेष रूप से कहा कि वह हृदय में विराजमान है तो वह सब जगह है। और उस परमात्मा को हृदय में अनुभव करने का जो उपाय है वो क्या है, मनुष्य प्रत्येक विषय को जानता है और उसकी जानकारी में सत के सत दोनों आते हैं। इन दोनों का विभाग करने के लिए साधक ये अनुभव करे कि मेरी जब जागृत अवस्था थी, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, या बालकपन या जवानी बुढ़ापा, जितनी भी अवस्थाएं आई सब में मैं तो एक ही रहा, और या सुखदाई दुखदाई प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां कैसी भी आई मैं उनमें एक जैसा ही रहा। कोई वस्तु मिली कोई नहीं मिली, किसी से संयोग हुआ या वियोग हुआ, मैं तो एक जैसा ही रहा। इसका मतलब क्या है कि अवस्थाएं, परिस्थितियां या संयोग वियोग जो भी कुछ हुआ, लेकिन मैं सब अवस्थाओं में एक ही रहा। और ऐसा करने से पता चलता है कि जो वो परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है उसका अनुभव हो जाता है। हमारे अंदर परमात्मा को पाने की ऐसी ललक लग जाए जैसे अत्यंत भूखा अन्न के बिना नहीं रह सकता, प्यासा जल के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही हमारे अंदर उस परमात्मा की ऐसी ललक लग जाए कि हम उस परमात्मा के बिना न रह सकें, उसके बिना बेचैन हो जाएं, उस परमात्मा के बिना न भूख लगे न प्यास लगे न नींद आए, उस परमात्मा के सिवाय कहीं और वृत्ति जाए ही नहीं। इस तरह परमात्मा को पाने के लिए व्यक्ति व्याकुल हो जाए, तब उसको हृदय में उस परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। और इस प्रकार परमात्मा का हृदय में अनुभव हो जाने के बाद सब जगह परमात्मा ही है, उसे ऐसा अनुभव हो जाता है जो कि हमारा वास्तविक अनुभव है। तो हमारा ये आज का जो श्लोक था कि परमात्मा की विलक्षणता, ज्योति श्याम पिता ज्योतिष तमसह परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, जानने योग्य हैं और ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं, और सबके हृदय में
विराजमान हैं। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।